नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होलसेल बिजनेस के एक्सपीरियंस के बारे में कि होलसेल बिजनेस का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो सही रहेगा या नहीं, या होलसेल बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे दिमाग में आइडिया आते हैं और लोग अलग अलग आइडिया के हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या सोचते हैं कि हम बहुत सारे होलसेलर से कॉन्टैक्ट कर लें, उसके बाद उनसे कुछ सैंपल मंगा लें और उन सैंपल को ले जाके हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों को दिखाएं और उन सैंपल के बेस पर लोगों से ऑर्डर लें। ऑर्डर के बाद उन ऑर्डर्स को होलसेलर को बोलें कि इतने प्रोडक्ट हमारे यहाँ भेज दीजिए, उसके बाद आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत जरूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में नॉलेज रखते हैं या ऑनलाइन इंटरनेट के फील्ड में नॉलेज रखते हैं, वो क्या करने की सोचते हैं कि हम होलसेलर से प्रोडक्ट के फ़ोटो ले लेते हैं और उसके बाद उन फ़ोटो को इंटरनेट पर या अपनी खुद की वेबसाइट बना के वहाँ पर डाल देंगे। जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम सीधा होलसेलर से बोल देंगे कि इस जगह पे हमारे नाम से ये प्रोडक्ट भेज दीजिए और हम आपको इतना फिक्स पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आइडिया आप लोगों के दिमाग में आते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल में होलसेल बिजनेस कितने फ़ायदेमंद है, कितना घाटा है, कैसा है, कंप्लीट जानकारी दूंगा। क्योंकि होलसेल बिजनेस करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे हो गया है, फिलहाल में मैं अभी भी होलसेल बिजनेस कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को कि मास्क सैनिटाइजर और ग्लव्स में हम अभी होलसेल बिजनेस कर रहे हैं, होलसेल में डील कर रहे हैं कोरोना के टाइम पर। तो भाई, अगर आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो वो ये गलती करते हो कि आप स्टॉक मंगा लेते हो, लेकिन जब स्टॉक आ जाता है वो स्टॉक निकल नहीं पाता, क्योंकि हमें बस ये लगता है, हम घर पे बैठ के कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इस रेट का प्रोडक्ट उस फैक्ट्री से आएगा और हमें मार्केट में इतने रुपए का मिल रहा है तो इससे कम रेट का हम सेल कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई प्रोडक्ट है वो मार्केट से आ रहा है लगभग 200 रुपए का मार्केट में मिल रहा है और आपको होलसेल में 100 रुपए का मिल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि 100 का मिलेगा तो मार्केट में हम 150 का तो बेच देंगे। लेकिन होता क्या है, रियलिटी ऐसी नहीं होती। जब होलसेलर उस माल को भेजता है तो उसका पैकिंग चार्ज, उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज, उसके बाद आपके पास आता है उससे पहले GST लगता है, उसके बाद जब आप कहीं बेचते हैं तो उसके ऊपर चार्ज लगते हैं, तो फाइनल चार्ज आप पहले कैलकुलेट नहीं कर पाते, पहले आप स्टॉक मंगा लेते हो। और स्टॉक मंगाने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें फेस होती हैं जो मैंने खुद की हैं कि स्टॉक तो आ गया लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, इससे सस्ता तो वो दे रहा है, इससे सस्ता दूसरा बंदा दे रहा है, तो आपका ये प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है जो हम आपसे महंगा खरीदें। तो आपको क्या करना है, आपको एक तरीके से पहले मार्केट सर्वे करनी है, आपको क्या करना है, सैंपल ले लेने हैं चाहे होलसेलर से चाहे रिटेलर से। सैंपल लेने के बाद आप जाके ऑफलाइन में बिजनेस करना चाह रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हैं या जो रिटेल में काम कर रहे हैं उन लोगों को जाके दिखा सकते हो। दिखाने के बाद उनको अगर आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो उनसे ऑर्डर ले सकते हैं, उन्हें डेमो दिखा सकते हैं कि देखो ये चीज़ ऐसी है, ऐसे चलती है सारी चीज़ें, तो उसके बाद उनसे ऑर्डर ले सकते हैं। वहाँ पे आपको एक रेट का कंफर्मेशन हो जाएगा कि उनको किस रेट में मिल रहा है। आपके पास स्टॉक तो है नहीं, आपको अगर महंगा दिखता है कि यार हम महंगा दे रहे हैं और सामने वाला उस बंदे को सस्ता दे रहा है, तो आप डायरेक्ट उस होलसेलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब हम कैसे ऐसे सेल करें, यहाँ पर तो इससे भी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। ऐसा अक्सर होता है कि जो प्रोडक्ट जिस भी रेट में आप सेल कर रहे हो, भले ही कितना बड़ा मैन्युफैक्चर हो, कभी ना कभी एक ना एक ऐसे बंदे से आपका टांका अड़ जाता है जो उस रेट से सस्ता उस प्रोडक्ट को दे देता है। ये बात मैं खुद अब तक नहीं समझ पाया कि हमने लास्ट रेट तक रख दी थी प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी जब हम मार्केट में गए तो हमें उससे भी सस्ती रेट में प्रोडक्ट देखने को मिल गया। तो हमेशा आपको एनालिसिस करना है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के फ़ोटो मंगा लेते हैं और उन फ़ोटो के बेस पर वो लोगों को शेयर करते हैं और बोलते हैं कि लो ये हमारे प्रोडक्ट हैं फ़ोटो दिखा के। तो होता क्या है कि आजकल फ़ोटोशूट तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है जब रियल प्रोडक्ट उस बंदे के पास पहुँचता है तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देता है, बोलता है ख़राब प्रोडक्ट है, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
फोटो में कुछ और था, यहाँ कुछ और दिख रहा है, तो वहाँ पे भी बाद में बहुत इशू होते हैं। मतलब आपकी एक डील तो उनके साथ अच्छी हो जाएगी लेकिन बाकी की डील आपकी उनके साथ अच्छी नहीं हो पाती, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमेशा आप रियल प्रोडक्ट या डेमो प्रोडक्ट लेके जाइए किसी के भी पास लेके जा रहे हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि हम होलसेल में ख़रीद लेंगे, और आजकल डिजिटल ज़माना है तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल कर देंगे, लेकिन रियलिटी क्या है कि जब आप किसी होलसेलर से किसी प्रोडक्ट को ख़रीदते हो, आपने देखा कि होलसेलर उस प्रोडक्ट को 100 रुपये का दे रहा है, ऑनलाइन वो 200 का सेल हो रहा है, तो हमें सीधा सीधा अपना 100 रुपये प्रॉफिट दिखता है। लेकिन होता क्या है कि जब होलसेलर उस प्रोडक्ट को हमारे पास भेजता है तो GST और ट्रांसपोर्ट और पैकिंग का चार्ज हमारे ऊपर ही लगा देता है। अगर वो नहीं भी लगाता, वो फाइनल कॉस्ट 100 रुपये दे रहा है हमारे घर पे प्रोडक्ट को पहुंचाने के बाद, फिर भी जब हम प्रोडक्ट को लिस्टिंग के लिए किसी भी ई कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट पे लगाते हैं तो कम से कम पर सेल पर 20% कमीशन हमें उस कंपनी को देना होता है। प्लस हम अगर उस प्रोडक्ट को अगर ऑर्डर आता है तो कस्टमर तक डिलीवर कराते हैं तो उसका डिलीवरी चार्ज भी हमने देना होता है, उसकी पैकिंग का जो चार्ज होता है कस्टमर तक पहुँचाने के लिए तो उस पैकिंग का भी चार्ज हमें देना पड़ता है, प्लस उस पर जो GST लगता है वो GST भी हमें ही लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो 100 रुपये का आपको माल पड़ा था आपके पास आके, उस पर इतने चार्ज लगते हैं कि दोबारा से 175 रुपये का हो जाता है, और रिटर्न जब होती है तो बिजनेस लॉस में जाता है। ई कॉमर्स बिजनेस का फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ज़्यादा रिटर्न होना, प्रोडक्ट का ज़्यादा रिटर्न होना। और एक और चीज़, होलसेल में आपको ठोस आइटम पर बिजनेस करना चाहिए जो कि लंबे टाइम तक चलेंगे, जिनकी डिमांड रेगुलर बनी रहेगी, उन चीज़ों में डील करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले बिजनेस में क्या होता है, जैसे कि चाइना का कोई आइटम आया, आपने उसमें होलसेल में डील कर ली, अब वो शॉर्ट टाइम के लिए 2 महीने की, लेकिन आपका स्टॉक 2 महीने में निकल नहीं पाया, अब आपका स्टॉक पड़ा रह गया, बिजनेस में उल्टा लॉस हो गया, तो ऐसा हो जाता है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टॉक इतना रखिए, आप एक टाइमिंग डिसाइड करके रखिए कि होलसेलर से माल हमारे पास आने में लगभग 6 दिन का टाइम लगता है, 5 दिन का, 4 दिन का लगता है, तो आप इतना स्टॉक मैनेज करके रखिए कि आप यहाँ की सप्लाई कर लो, आपको लगे कि हाँ अभी ये और सेल हो सकती है तो स्टॉक थोड़ा और मंगा सकते हैं, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। सैंपल के तौर पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सैंपल हम ले लेंगे और मार्केट में लोगों को दिखाएंगे, रिटेलर को दिखाएंगे, ऑर्डर आएगा तो सीधा होलसेलर से उस प्रोडक्ट को भेज देंगे। आजकल रिटेलर बड़े चालाक हो गए हैं, अगर आप होलसेलर से डायरेक्ट माल लेके सीधा रिटेलर को भिजवाओगे, बीच में अपना कमीशन रखना चाहोगे, तो किसी ना किसी दिन या तो वो होलसेलर आपके रिटेलर से कॉन्टैक्ट कर लेगा, या आपका रिटेलर उस बॉक्स पर जो एड्रेस डला होगा उसे गूगल में सर्च करेगा, उसका GST बिल होगा, उसको ऑनलाइन चेक कर लेगा किसके नाम से है, वो उसकी डिटेल निकाल के डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। हर किसी का यही सिस्टम है कि ऐसा ही होता है, आपको प्राइवेसी बहुत अच्छी रखनी है जब भी इस बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। प्लस आपको अपना स्टॉक रखो, लेकिन इतना स्टॉक रखो कि वो बचे ना। दूसरी चीज़, ठोस प्रोडक्ट में बिजनेस करो जिसकी रेगुलर डिमांड रहती है, जो मजबूत प्रोडक्ट है, लंबे टाइम तक चलने वाला प्रोडक्ट है, जिससे कस्टमर बेस आपका लंबे टाइम तक बने, रिटेलर भी आपके बने तो लंबे टाइम तक आपसे जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि 2 महीने उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा फिर नहीं खरीदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप बिजनेस करिए। अगर आप कहते हो कि हम ई कॉमर्स पर सेल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ई कॉमर्स पर अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो प्रोडक्ट ऑनलाइन में 100 रुपये का मिल रहा है वो आपको होलसेलर से कम 30 रुपये 35 रुपये का मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इतना ही रेट का अगर मिलता है, जो 100 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है वो 35 रुपये तक मिल रहा है, तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो आपको लॉस होगा, रिटर्न ज़्यादा होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें लॉस नहीं होता क्योंकि वो ठोस प्रोडक्ट होते हैं, रिटर्न के कम चांस होते हैं, लेकिन जो यूनिक आइटम होते हैं, जो टेम्परेरी आइटम होते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है रिटर्न का, तो रिटर्न जितनी ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा बिजनेस को लॉस होता है। बाकी का बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अगर होलसेलर से माल उठाते हैं तो खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचें, या जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, वहाँ पर बेचें। तो बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट होते हैं, तो उनके भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि देखो, आप अपनी वेबसाइट बनाती हो तो अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा,
ट्रस्ट पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लोग ऐसे ही पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील वगैरह वगैरह पे सेल करते हैं तो वहाँ पे ऑडियंस बेस पहले से है। अगर आपका प्रोडक्ट दमदार है, आपकी प्राइसिंग बहुत सही है, तो बहुत सारे कस्टमर हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। एक तरह से एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा कि अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट या दूसरी जो अच्छी अच्छी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं वहाँ पे सेल करते हो तो एक भरी मार्केट में आप माल को बेचना चाह रहे हो, दूसरा खुद की वेबसाइट बना रहे हो तो आप एकांत में अपनी दुकान खोल के बैठे हो जहाँ पे दूर दूर तक कस्टमर नहीं है, आप अपनी दुकान खोल के बैठे हो और कस्टमरों को बुला रहे हो। लेकिन आपकी दुकान जब पॉपुलर होगी जब ही कस्टमर आएंगे, सेम कंडीशन जब आपकी वेबसाइट पॉपुलर होगी जब ही आपकी वेबसाइट पर कस्टमर आएंगे, ट्रस्ट पैदा होगा और बाकी का अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर बेचोगे तो तुरंत सेल आपकी जनरेट होने लगेगी अगर आपका प्रोडक्ट दमदार है तो। तो ये मेरा होलसेल का पूरा एक्सपीरियंस था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।